Welcome guys to my channel Gusain sir. So today we are going to start graphical representation of motion, that is under the chapter motion. So before starting this we have to discuss the type of graph in which we have to calculate the acceleration, speed, distance. One more thing you have to keep in mind that agar hum speed ki baat kar rahe hain, it means hum velocity ki baat bhi kar rahe hain. They both make same sense. ठीक है, दोनों एक ही चीज है एक तरीके से. इसमें कंफ्यूज नहीं होना, स्पीड बोला हमने, वेलोसिटी पढ़ा, वेलोसिटी बोला हमने, स्पीड पढ़ा, तो कैसे देंगे? तो सेम मेथड है आपका, दोनों को निकालने का तरीका. ठीक है, तो यानी कि व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ बेस्ड ऑन द मोशन, देन वी ऑलवेज टेक टाइम ऑन द एक्स एक्सिस. टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस में लेंगे. ठीक है, तो ध्यान से देखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है. तो फर्स्ट पार्ट जो इसमें है वो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. इसको हम डीटी के नाम से भी जानते हैं, डीटी ग्राफ. ठीक है, तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं दैट व्हेन बॉडी हैविंग अ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन आपका, तो ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहा हूं. फर्स्ट ले लो इसका, जब आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, आपकी एक यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी और एक हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है. इसमें जो ग्राफ होगा आपका, एक्स एक्सिस में लेना है हमें टाइम को और वाई एक्सिस में लेंगे हम डिस्टेंस को. तो यानी कि जब यूनिफॉर्म स्पीड है तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ये आपकी हो गई, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड. और ये इसका हो जाएगा आपका, दैट इज एक्स टाइम, ये वाई एंड दिस इज योर डी. तो जब भी आपकी आएंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो ग्राफ विल बी अ कर्व. ठीक है, तो कर्व होगा आपका ग्राफ, और इसको हम पैराबोला भी बोलते हैं. पैराबोला भी जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया. अब इस ग्राफ की हेल्प से हमें पूछा जाता है कि भाई फाइंड द स्पीड. ठीक है, तो हम ग्राफ की हेल्प से कैसे स्पीड निकालेंगे, इसे ध्यान से देखना है. ठीक है, तो ग्राफ की हेल्प से स्पीड निकालने हमें, ठीक है, तो फाइंड स्पीड, स्पीड पूछ जाएगी आपको, तो इसके हेल्प से स्पीड कैसे निकालेंगे. ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम. तो ठीक है भाई, ये आपका, इसको नाम देते हैं, दैट इज ओ ए. परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये हो गया बी, ये हो गया सी. तो ठीक है भाई, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम टेकन. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस की बात करें भाई, ये शेप क्या बन रही है? ओसी एबी क्या है? रेक्टेंगल है. तो यानी कि जितना ओसी होगा, ओसी किसके बराबर है? एबी के बराबर है. रेक्टेंगल की अपोजिट बराबर, तो ओसी एबी के बराबर है. तो यानी कि हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कितना हो गया एबी, और टाइम कितना हो जाएगा ओबी. तो टाइम हो गया आपका ओबी, ओबी. यानी कि अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ ग्राफ. इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं. ठीक है, स्पीड निकालनी है तो स्लोप ऑफ अ ग्राफ निकालना है हमें. ठीक है, अच्छा, और बात करें हम नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में निकालनी है तो कुछ नहीं करना, दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. एक ए ले लो, एक बी ले लो, इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया. ठीक है, और इनको ज्वाइन कर दो इस तरीके से. ठीक है, इसका भी स्लोप ले लो, ये सी हो गया. तो क्या हो जाएगा इसका स्लोप? इसका हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी. ठीक है, इसका बी सी अपॉन ए सी. तो क्लियर है ना कैसे निकालेंगे स्पीड विद इन द ग्राफ डीटी ग्राफ से. ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी. क्वेश्चन आते हैं आपके ग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चंस. तो ये हो गया पहला. नेक्स्ट आता है आपका स्पीड टाइम ग्राफ, जिसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोलते हैं. ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका एक ही होता है, ध्यान रखना है इसको. तो नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेकेंड, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ, और हम बोल सकते हैं वेलोसिटी. ठीक है, और हम बोलेंगे इसको दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो इस जो ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होता है, तीन केस आते हैं आपके. ठीक है, तो पहला केस होता है जब स्पीड कांस्टेंट होती है फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट केस
स्पीड क्या होगी आपकी कांस्टेंट, मैंने आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी तो ठीक है मानते हुए भाई हो गया एक्स, टाइम को एक्स एक्सिस में लेना है, स्पीड को वाई एक्सिस में लेना है, और क्या बोला स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट कब होगी जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है तो क्या होगी यहां पे स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट यानी कि ग्राफ के बारे में बताएं तो क्या है ग्राफ जो होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और इसमें जो बोलूं इसमें क्या होगा जो हमारा एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, ठीक है एक्सेलरेशन जीरो, और जो हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस जो निकालेंगे वो निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ के अंडर में जो एरिया आएगा बस निकलेगा। अब एक्सेलरेशन जीरो कैसे, एक्सेलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही हो आपकी, तो यानी कि जब आपकी बॉडी यानी कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो वेलोसिटी तो बदल ही नहीं रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है स्टेट, ठीक है। और अगर हम फॉर्मूले से करें से तो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन क्या होता है वी माइनस यू अपॉन टी, तो ठीक है इसको समझने के लिए छोटा सा ले लेता हूं मैं एग्जांपल, ठीक है तो ये ले लेता हूं मैं भाई, यहां पे क्या है पांच है, पांच मीटर पर सेकेंड आपकी वो है स्पीड, ठीक है और पांच सेकेंड बाद, ठीक है पांच सेकेंड बाद भी आपकी स्पीड पांच ही है भाई, स्पीड तो चेंज हुई नहीं, तो फॉर्मूला क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कितनी यहां पे भी तो पांच ही है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 माइनस 5 अपॉन 5 तो कितना हो गया 0 अपॉन 5, तो ए कितना आ गया 0, ठीक है ना भाई, फाइनल माइनस मिश्रित तो होती है, तो ये फाइनल है ना, 5 सेकेंड बाद 5 यहां पे पहुंची है तो स्पीड अभी 5 ही है, यहां पे थी अभी 5 थी, तो फाइनल माइनस मिश्रित 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन 0, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस जो हमें निकालना है, तो जो डिस्टेंस होता है मैंने क्या बोला एरिया, यानी इस ग्राफ के अंदर आप देखो जाकर एरिया, ठीक है अगर मैं सेम ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर, तो ये एरिया निकालना है आपको, शेप क्या है रेक्टेंगल, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है तो स्पीड कितनी है अगर मैं इसी में बनाया तो फ्रॉड से भाई ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये स्पीड कॉन्स्टेंट इसको लेकर ओ ए, ये हो गया बी, परपेंडिकुलर डालूंगा सी, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं स्पीड कितनी है ओ ए, डिस्टेंस निकालना है हमें तो स्पीड है ओ ए, तो हो गई भाई ओ ए, टाइम कितना है ओ सी, ओ सी, तो ये क्या कहां से रेक्टेंगल क्या हो गया भाई एल इंटू बी हो गया ना, तो एल इंटू बी यानी कि हमें एरिया और रेक्टेंगल निकालना है, एरिया निकालना है यानी कि जो यानी कि उस ग्राफ के अंडर में जो एरिया आएगा दैट यू हैव टू फाइंड, ठीक है तो ये एरिया निकालना है आपको, चलो ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है होप सो कोई डाउट नहीं हो, क्लियर है तो ध्यान से करो मजा आएगा आपको, समझ से करो, ये हो गया आपका। नेक्स्ट जब आपकी स्पीड जो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो, ठीक है यूनिफॉर्म रेट से आपकी यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं एक्सेलरेट कर रही हो, ठीक है तो सेकंड केस है जो स्पीड है आपकी स्पीड चेंज एट यूनिफॉर्म रेट, जब स्पीड आपकी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो तब कैसा ग्राफ होगा, तब जो ग्राफ होगा आपका एक्स, ये हो गया टाइम, ये हो गया वाई, ये हो गया डिस्टेंस, ऐसे तो ये जो ग्राफ होगा आपका स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब इसलिए पूछेंगे भाई एक्सेलरेशन और डिस्टेंस बताओ, ठीक है क्या है ग्राफ का, तो ये भी एग्जांपल से देखो, ठीक है ये एक्स ये वाई, ठीक है इसको ले लो ओ, तो ये आपका ग्राफ है, तो ठीक है। अब अगर चलो ये ए हो गया बी, ठीक है अब अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यानी कि चेंज इन वेलोसिटी यानी कि भाई जीरो से यहां तक यानी कि चेंज कितनी हुई बी से ए हो गई भाई, यहां पे अगर देखो ये भी तो क्या है रेक्टेंगल है ना, ये आपकी स्पीड है ये टाइम है, तो यानी कि स्पीड चेंज है ना जीरो से यहां पहुंच गई ए पॉइंट तक, ठीक है एसको ले लो सी, भाई जीरो से सी पहुंच गई तो ओ सी जितना होगा ए बी भी उतना ही होगा, ठीक है ये चेंज इन वेलोसिटी होगी, तो ये क्या हो गया ये हो गया ए बी, भाई जितना ओ सी है उतना ए बी है, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगी दिस माइनस दिस, तो ये भी वही है तो हमने ए बी लिख लिया, ठीक है टाइम कितना है ओ बी, तो ओ बी, तो इससे आपका निकलेगा एक्सेलरेशन यानी कि ए बी अपॉन ओ बी करोगे, मीन्स अगेन इसमें क्या निकालना है स्लोप, अगर आप स्लोप निकालोगे एस टी ग्राफ में तो आपका एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा,
होप सो कोई डाउट ना हो, ठीक है। ऐसा से निकालना है तो एबी अपन ओबी करना है आपको। अगेन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए अगेन सेम एरिया अंडर ग्राफ, तो हमारा जो ग्राफ है उसके अंडर में जो एरिया आ रहा है आपका, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, ये ए है, ये हो गया आपका ओ, ये हो गया ए, पर पहले ड्रॉ कर दो, इसको ले लो बी, ठीक है, इसे ड्रॉ कर दो, ये हो गया सी, ठीक है। तो ये आपकी स्पीड है, ये आपका टाइम है। तो डिस्टेंस अगेन क्या होता है हमारा, जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। तो अब अगर हम इसमें देखें तो बॉडी यानी कि यहां पहुंच रही है, तो स्पीड कितनी है ओसी, अगेन ये रेक्टेंगल है तो जितना ओसी होगा उतना ए भी होगा, तो ए भी ले लेते हैं, ठीक है। तो जितना ओसी होगा उतना ए भी होगा। अगर हम देखें तो एरिया अंडर द ग्राफ कौन सा है, ये वाला था, ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ कौन सा, ये अब फिगर क्या है, ये है हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमें इसमें, है ना, साफ दिखाई दे रहा, ट्राइंगल बन रहा है, तो ठीक है, तो ट्राइंगल का निकाल दो, यानी कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है आपका वो क्या है ओ ए बी, तो इसका एरिया निकाल दोगे तो वो क्या होगा, हाफ ओ बी बेस इंटू हाइट दैट इज ए बी, तो यहां से निकल आएगा डिस्टेंस। होप सो ये भी क्लियर हो आपको, है ना, कोई डाउट तो नहीं है, डिस्टेंस कैसे निकालना है, एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, ठीक, चलो ये हो गया आपका। अच्छा अब यानी कि इसी में एक और चीज आपकी जोड़ लेते हैं कि जब आपकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, यानी कौन सा केस आ जाएगा आपका, केस आ जाएगा ये वाला, ये एक्स है, ये वाई है, तो ऐसे डिक्रीज हो रही है आपकी, ठीक है, ये ले लो तो मान, ठीक है। तो अब आपको निकालना है भाई, एरिया निकाल दोगे इसका तो डिस्टेंस आएगा अगेन हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन जब एक्सेलरेशन निकालोगे, मान लो ये फाइव है, टाइम यहाँ पे भी फाइव ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये ले लो ए और ये बी, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो यानी कि जब आपकी डिक्रीज कर रही है बॉडी, तो यहाँ ए में पहुंची तो वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, तो यानी कि फाइनल जीरो, यानी कि जब ए में पहुंची तो ए में तो वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इनिशियल कितनी थी, पहले कितनी थी, पांच थी भाई, माइनस फाइव अपॉन टाइम फाइव, तो जीरो में से फाइव जाएगा, यानी कि माइनस फाइव अपॉन फाइव, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, ए आ गया आपका माइनस वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें क्या आता है, एक्सेलरेशन क्या इतना से रिटार्डेशन है, यह हम कर चुके हैं पहले भी, जो एक्सेलरेशन है यहां पे वो क्या है, रिटार्डेशन है ना जी, ठीक है। डिस्टेंस आप निकाल सकते हो हाफ बेस इनटू हाइट करके, डिस्टेंस आपका नेगेटिव होता नहीं है, मैग्नीट्यूड है केवल वो, ठीक है, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, तो ये आपका क्या है, रिटार्डेशन, ऐसा ही जा सकता है क्वेश्चन कि भाई इससे निकालो, तो एक्सेलरेशन आपका इस तरह से निकलेगा, फाइनल जीरो है, इनिशियल पांच थी, ठीक है, माइनस थ्री, तो इसमें बस नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा अब इसमें नेक्स्ट, इसी के अंदर एक और पार्ट है, जब आपकी यानी कि इनिशियल जो स्पीड है वो जीरो नहीं है, ठीक है, इसी के अंदर एक पार्ट है, व्हेन इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो, जब इनिशियल स्पीड जीरो नहीं हो, बाकी अभी तक में क्या थी, जीरो ही थी, हमने ग्राफ यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है, यानी कि इनिशियल स्पीड जीरो थी। अब बोला गया कि अगर इनिशियल स्पीड आपकी जीरो ना हो, कुछ इस तरीके से होगा ग्राफ, फिर भाई ये एक्स, ये वाई, ये आपकी स्पीड, ये टाइम, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होगी, होगी लो ये ले लो ओ ए, ये ले लो इसको बी, ठीक है, सी डी, इनको नाम लो ई, ठीक है। अब ए से स्टार्ट होगा, नहीं कोई ना कोई वेलोसिटी पहले से है ना, तो पहले से कोई ना कोई वेलोसिटी है इस ग्राफ की, जबकि स्पीड जीरो नहीं है, पहले इनिशियल कुछ वैल्यू है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसमें एक्सेलरेशन पहला पार्ट जो हमें निकालना होता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन अगेन भी किसके, इसके स्लोप से निकलेगा, बी डी अपॉन ए डी, है ना, भाई इनिशियल स्पीड ये है भाई, फाइनल कितनी होगी, फाइनल ये होगी भाई, फाइनल होगी आपकी यानी कि कितनी पूरी होगी, ये ओ ई, फाइनल ओ ई होगी,
तो ओ ई में से क्या है ओ ए माइनस करेंगे, ठीक है। ध्यान रखो भाई फाइनल ओ ई होगी, उसमें से ओ ए माइनस करोगे आप तभी तो निकलेगी, ठीक है। तो यानी कि इसमें भी आपको क्या निकालना है बी डी अपॉन, ठीक है, और ओसी और एडी तो बराबर ही है, एडी भाई ओसी और एडी बराबर होगा ना रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसमें भी स्लोप से निकालना है, मैगल में देख लो वैल्यूज में, ठीक है। अगर मैं बोलूं भाई 5 यहां पे मीटर पर सेकंड, यहां पे ले तो ये होगी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये 10 होगी आपकी 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा यहां पे टाइम ले लो 5 सेकंड। तो अब अगर मुझे वेलोसिटी वो निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो ए क्या होगा, वी, वी क्या है यानी कि 5 सेकंड में कितनी होगी थी 10, तो 10 इनिशियल कितनी थी 5, टाइम कितना है 5, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 1 कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ये आ गया, ठीक है। ऐसा निकालना है बस, यानी कि स्लोप निकाल दो बस सीधा सीधा, तो भी आपका आ जाएगा भाई। इसे देखोगे तो यानी कि अगर मैं नाम भी दे दूं भाई ये ए बी हो गया, ए बी सी ये ओ, तो यानी कि भाई ये कितना था, जैसे 5 गया ये 5 ही तो है आपका, तो यानी कि 5 और ये कितना है 5, तो भाई ए बी अपॉन ये आपका ये ले लो ए बी अपॉन बी डी, ठीक है ना। तो यानी कि सीधा सीधा भाई ए बी अपॉन ये निकाल लेना, स्लोप निकाल लेना, कोई इसमें नहीं पड़ना, सिंपल सा है। तो डिस्टेंस भी देख लो भाई, डिस्टेंस के लिए तो मैंने सीधा बोला है क्या एरिया, डिस्टेंस आपको निकालना है एरिया अंडर ग्राफ, तो इसको साफ साफ दिखाई देगा, तो ये एरिया आ रहा इसके अंदर, ये शेप क्या है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, होप सो कोई डाउट नहीं होगा कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया ओ ए बी सी, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो, अब वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पहला साइड, तो सम ऑफ पहला साइड कौन सी होगी ये और ये, परपेंडिकुलर रहा भाई टेढ़े थोड़ी होंगे, ठीक है। तो ओ ए प्लस बी सी और हाइट क्या होगी ओ सी, ठीक है, ये पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं तो सीधे ही होते हैं, वो कभी भी टेढ़े नहीं होते, यानी हर एक परपेंडिकुलर एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक है। दूसरा तरीका भाई आपका क्या सकता हूं भाई, ये क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया निकालो एल इंटू बी, ओ ए इंटू ओ सी, और ट्राइंगल का एरिया निकालो हाफ एस इंटू हाइट, दोनों के एरिया को जोड़ दो डिस्टेंस आ गया, है ना मजेदार, ठीक है। होप सो यहां तक क्लियर हो आपको अच्छे से, ठीक है, ये हो गए इसके सारे पार्ट, ध्यान से देखना है क्वेश्चन एक में आते हैं, बाकी दिक्कत ही कोई बात नहीं है, इजी सा है सर, बस एक बार ध्यान से देखो, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करो, मार्क्स अपने आप आएंगे, मार्क्स में मत पढ़ना बस, ठीक है। तीसरा है जो आपकी स्पीड, ठीक है, चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, यानी कि जब आपकी स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तो ग्राफ उसका इस तरीके से होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये टी ले लो, ये भाई वाई है, ये आपकी स्पीड है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसमें भी एक्सेलरेशन डिस्टेंस आपका पूछा जाएगा, सेम मेथड से निकालना है, ये लास्ट था आपका। होप सो वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, तो लाइक करना है, जो सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब करें, थैंक यू।